खबर गाजीपुर जमानिया से है, जहां सहायक निदेशक बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बीआरसी जमानिया में चल रहे निपुण भारत प्रशिक्षण का निरीक्षण किया। परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षकों और शिक्षा मित्रों के प्रशिक्षण के लिए बीआरसी जमानिया के सभागार में चलाए जा रहे निपुण भारत मिशन का सोमवार को सहायक निदेशक बेसिक शिक्षा अधिकारी अवध किशोर सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान खंड शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार गौतम ने उन्हें बुक देकर उनका स्वागत किया। इसके बाद एडी बेसिक अवध किशोर ने बीआरसी सभागार में चल रहे निपुण भारत मिशन प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने मौजूद प्रशिक्षकों से संवाद किए और प्रशिक्षण के दौरान बताए गए विषय वस्तु की जानकारी और अध्यापकों से फीडबैक लिया। साथ ही प्रशिक्षण को और भी बेहतर बनाने के लिए एआरपी को निर्देशित किया। इसके बाद उन्होंने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय की प्रभारी वार्डन अर्चना सिंह से छात्राओं को पढ़ाई के साथ दी जाने वाली अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली तथा विद्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे की संख्या व स्थिति की जांच की, जो मौके पर खराब पाया गया, जिसे उन्होंने तुरंत ठीक करवाने के लिए प्रधानाचार्य रेणु सिंह को निर्देशित किया। इसके बाद उन्होंने कक्षा 6 के छात्राओं से वार्ता की, उनकी समस्याओं को जाना, जहां छात्राओं ने कुर्सी बेंच नहीं होने, अध्यापकों की कमी, गीजर कूलर व न्यूनेटर खराब होने की शिकायत की, जिस पर उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजीपुर से वार्ता कर समस्या का समाधान कराने की बात कही। गाजीपुर जमानिया से आजाद शाह की रिपोर्ट। सर, आज आपके द्वारा किस प्रकार का निरीक्षण किया गया है? आज मेरे द्वारा जो है यहाँ का बीआरसी जमानिया का प्रशिक्षण देखा गया, मणिपुर भारत का अच्छा चल रहा था। टीचर से फीडबैक भी लिया गया और यात्री को जहाँ कुछ कमी लगा उसको निर्देश भी किया गया कि ठीक ट्रेनिंग को और अच्छा ढंग से बनाया जाए और जियो के बारे में पूरा डिटेल बता दिया जाए, बताए भी लोग ग्रुप में डाल दिए हैं। और आज आपके द्वारा कस्तूरबा विद्यालय का भी निरीक्षण किया गया है, तो इसमें क्या कमियां पाई गई, क्या निर्देशित किया गया? कस्तूरबा में बच्चे जो है खाने पीने संतुष्ट हैं, किताबें बढ़ गई हैं, बाकी बेंच की व्यवस्था, फर्नीचर की व्यवस्था हो रही है। जहां तक बीएसएस से पूर्व ही बात हो चुकी है, तो चूँकि यहाँ वार्डन के बस का है नहीं, ये ऊपर से हो रहा है और हमारा उम्मीद है कि जल्दी हो जाए। सर, इसमें फर्नीचर भी नहीं है, टीचर की कमी है? टीचर की कमी तो न्यायालय ही मामला है, चयन हो चुका है लेकिन न्यायालय का गड़बड़ी हो, आपस में न्यायालय से फैसला होना है। सर, कुछ विद्यालय ऐसे भी हैं जिनके बाउंड्री वाल नहीं है, उनके बगल में तालाब है, तो ऐसे स्थिति में बच्चों के जीवन पर काफी खतरा समझ में आता है। ये हमारे संज्ञान में तो अभी नहीं है, लेकिन आपके द्वारा बताया गया कि नई बाजार में है, उसको हम लोग देखवा ले रहे हैं आगे।